ऐसा तोड़ना। रखा मत दो, मैडम के ऊपर गिर जाऊंगा। फिर आप उसको भी बात कर देंगे। शांति से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपका ये हम भी मान्य हमको कि आप नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन आप हमें दो घंटे का टाइम दीजिए, हम सामान सारा बाहर कर लेते हैं। हम सामान नहीं छोड़ेंगे। ये सामान तक टूटना ही नहीं है, टूटने वाला पार्ट तो आ गया ना। हम सर बाहर ले रहे हैं ना, आप तो पूरा ही तोड़ देना। पहले मेरी बात सुनो, टूटना आगे सीढ़ी तक कब आ गया सर? उसके बाद निकालेंगे कैसे हम लोग? वो तो साफ हो जाएगा। आपको समझ क्यों नहीं रहे हो? आप मेरे दो घंटे का टाइम दे दीजिए। चोट लग जाएगी किसी? दो घंटे का टाइम दे दीजिए। आप इतने दिन चोट लग जाएगी? आप इतने दिन रुके, दो घंटे और नहीं रुक सकते क्या? दो घंटे और नहीं रुक सकते? अरे एक मिनट चुप रही है पीछे मैडम, ये लेडीज पे हाथ उठा रहे हैं। नहीं नहीं, गलत बात मत करना। पहली बात ये हम आपके लिए कर रहे हैं। हम एग्री हैं, हमें दो घंटे का टाइम दिया गया, हम सामान सारा बाहर निकालो। बाहर हमारा तो निवेदन ये है, तो हमें केवल दो घंटे का टाइम है। नहीं, हम आपको समय दे चुके हैं, दो घंटा पहले। नहीं मैडम, आपने अपनी अपनी बात इस पे मैटर पे नहीं, हम तो सामान खाली करने के लिए दो घंटे का पूरा खाली करके दे रहे हैं हम आपको। दो घंटे में पूरा खाली करके दे रहे हैं। रास्ता भी देंगे। नहीं तो आप अभी आप गाड़ी हटा लीजिए। आप मेरी बात सुनिए, आप अभी हमको यहाँ तक आके सबसे पहले यही सबसे पहले हम ही लोग बोल रहे हैं कि हम खाली करने को तैयार है इतने लोगों में मैडम, और सामान देंगे ना हमारा सारा। अब आप हमें दो घंटे का टाइम और दे दीजिए। हमने तो मकान भी पहले बात सुन लो। अब एक मिनट कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोल रहे हैं आपको हम आपका आगे का तोड़ेंगे, आपको सामान निकालने के लिए रास्ता बनाया जाएगा कि आप बाहर निकल सकें। अभी भी हम आपको बोल रहे हैं आप बाहर निकालिए, कोई इतनी देर से हम लोग ये महाकाल मंदिर के सामने जो बड़ा गणपति मंदिर है उनसे लगी हुई करीब 9 स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंतर्गत दुकान और मकान आते हैं। उसमें तहसीलदार न्यायालय में उसकी सुनवाई करते हुए इसको अतिक्रमण की श्रेणी में लाकर इसे 3 दिवस का मोहलत इन लोगों को दी गई थी, जिसमें कि हटा के और फिर हम कार्रवाई करते। तो इनके द्वारा अभी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो आज दिनांक को हमारे द्वारा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और जिसमें कि अभी 8 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टे प्राप्त है न्यायालय की ओर से, और 1 जो है उन्हें कोई भी स्टे नहीं प्राप्त है, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी टोटल ऐसे कितने मकानों को चिन्हित किया है 8 के अलावा, जिनको सेकंड फेज में शामिल किया गया है और तोड़ने की कार्रवाई? अभी फिलहाल ये पट्टी है, और जो बड़ा गणपति से लगी हुई दूसरी एक और पट्टी है जिसका भूअर्जन किया जा चुका है, उनको भी नोटिस दिया जा चुका है, तो उन पर भी आगामी दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र में एक बड़े ज्योतिषी हैं, उनके मकान का भी एक मकान तोड़ने की कार्रवाई है, उसको लेकर किस प्रकार की कुछ जानकारी? उनका एक्चुअली शायद स्टे प्राप्त है हाई कोर्ट से, तो उसके इस वेकेट होने के उपरांत ही उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। आज यहाँ मकान तोड़ने के पहले एक विवाद भी सामने आया है, क्या घर वालों का विवाद?
वो उनको सेफ्टी पर्पस के लिए हमने उन्हें बोला कि बाहर आएं, ले परंतु वो अपने घर के जो पीछे का भाग है उसमें रुकना चाह रहे थे, लेकिन उनको फिर बोलकर बाहर किया गया है कि वो बाहर आ जाए, तो वो लोग आ गए। उस पर कार्रवाई